गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई लिखाई हो रहा है अच्छे से? आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर वो होता है जो बताता है कि कोई भी कंपाउंड एसिड है, बेस है, क्या है, है ना। इंडिकेटर इस चीज़ को इंडिकेट करता है। थोड़ा सा रिकॉल करो आप लोग क्लास 9th के बातों को। क्लास 9th में आपने क्या देखा था कि जो मैटर है दो तरह का, एक प्योर और एक मिक्सचर, याद है? नहीं याद है तो सुनो। क्लास 9th में आपने देखा था मैटर दो प्रकार का होता है, एक प्योर और एक मिक्सचर। प्योर दो प्रकार का, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड, है ना। प्योर दो प्रकार का, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट तीन प्रकार का, मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड। कंपाउंड भी तीन प्रकार का केमिकली, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आया समझ में? एलिमेंट तीन प्रकार का, मेटल, नॉन मेटल, मेटलवाइड। कंपाउंड तीन प्रकार का, एसिड बेस सॉल्ट, है ना। कोई चीज़ मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलवाइड है, है ना। कैसे पहचानते हैं? ये सब था ना कि मेटल सोनरस होगा, आ रहा समझ में, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो ये सब मेटल नॉन मेटल का पहचान था। कंपाउंड एसिड है कि बेस है, सॉल्ट है, ये सब कैसे पहचान होगा? कैसे पहचानेंगे कि एसिड है कि बेस है? तो आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि एसिड आर सार इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। ओके, क्या बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं टेस्ट। तो एसिड का टेस्ट, एसिड कैसा होता है? खट्टा। ओके, हटाएं इसको। और बेस का टेस्ट कैसा होता है? बीटर, कड़वा होता है, ठीक है। पर हमेशा कोई भी केमिकल आपको दिया हुआ है, आप उस केमिकल के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप भूल से भी उसको टेस्ट नहीं करना चाहेंगे, है ना। तो फिर कैसे टेस्ट करें? देखिए, कंफ्यूज मत होइए वर्ड में। हम कह रहे हैं कैसे टेस्ट करें। टेस्ट करना तो अलाउ नहीं है, है ना, क्योंकि दिक्कत हो सकता है। कोई कोई एसिड बहुत स्ट्रांग होता है, बेस बहुत स्ट्रांग होता है। कितना स्ट्रांग होता है? मतलब इतना स्ट्रांग होता है ना कि मान लीजिए एसिड दिया हुआ है आपको और आप उस एसिड में उंगली डालिएगा ना, ठीक है, उस एसिड में आप उंगली डालिएगा तो बाहर बाहर क्या आएगा? नथिंग आएगा, इतना स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसको तो फिर टेस्ट करने का बात ही भूल जाइए। फिर कैसे टेस्ट करें, कैसे पता लगाएं कि एसिड है कि बेस है? तो उसको जानने के लिए होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर से पता चलता है। इंडिकेटर क्या करता है, कैसे पता चलता है? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर कलर और ऑर्डर। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होता है जो या तो अपना कलर चेंज करे या तो अपना ऑर्डर, मतलब ऑर्डर मतलब क्या होगा, स्मेल, या तो अपना कलर चेंज करे या तो अपना स्मेल चेंज करे। व्हेन एडेड टू एन एसिड और एन अल्कलीन सॉल्यूशन, मतलब बेसिक सॉल्यूशन, बेसिकली टेल्स अस दैट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन, एग्जांपल लिटमस सॉल्यूशन। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर हमको बताता है कि कोई भी जो केमिकल है वो एसिडिक है कि बेसिक है। कैसे? अपना या तो कलर चेंज करके या तो स्मेल चेंज करके। दिमाग में बैठा ये बात। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर हमको बताता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है कि बेसिक है। कैसे? या तो अपना कलर चेंज करके या तो अपना स्मेल चेंज करके। ओके, देखते हैं आगे। तो या तो कलर चेंज करेगा या तो स्मेल चेंज करेगा, ठीक है। तो जो स्मेल चेंज करेगा उसको बोलते हैं ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर। जो इंडिकेटर अपना स्मेल चेंज करेगा, है ना, उसको बोलते हैं ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर। दोज सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ओल्फैक्ट्री इंडिकेटर। वैसा सब्सटेंसेस जिसका ऑर्डर मतलब स्मेल, ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, वैसा सब्सटेंस जिसका स्मेल चेंज हो जाए, है ना, एसिड और बेस के प्रेजेंस में आने पर, है ना, देखेंगे आगे। जैसे कि एग्जांपल वेनिला, अनियन, क्लोव। देखिए क्या लिखा हुआ है, स्मेल ऑफ अनियन एंड वेनिला। अनियन का एक स्मेल होता है,
होता है ना, अनियन का एक स्मेल होता है ना, डिमिनिशेस इन अ बेस। जैसे ही अनियन बेस के प्रेजेंस में आएगा, है ना, घर पे अनियन है ना, तो उसको लीजिए, उसमें थोड़ा सा साबुन, ठीक है, उस पर साबुन अप्लाई कीजिए, तो अनियन का जो स्मेल है वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश कर जाएगा, कम हो जाएगा। तो साबुन कैसा होता है, साबुन बेस होता है, साबुन क्या होता है, बेस। ओके, तो स्मेल ऑफ अनियन एंड वेनिला डिमिनिशेस इन अ बेस। बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा अनियन तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड रिमेन्स एज इट इज इन एन एसिड। और एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो बेस एज इट सॉरी एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा अनियन तो उसका स्मेल एज इट इज। देखिए अनियन लीजिए, अनियन पे आप साबुन अप्लाई कीजिए तो अनियन का स्मेल कम हो जाएगा, ठीक है। अनियन पे आप बेस अप्लाई करें, साबुन क्या है, साबुन बेस है ना, तो अनियन पे आप साबुन अप्लाई कीजिए तो अनियन का स्मेल कम हो जाएगा। अब एक एसिड लेकर आइए, घर में एसिड बहुत सारा है, नींबू एसिड है, ठीक है, तो नींबू लेकर आइए, नींबू को निचोड़िए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्मेल में, अनियन के स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एंड रिमेन्स एज इट इज इन एन एसिड, एसिड में स्मेल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अनियन क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, कलर सॉरी स्मेल चेंज करके बताया ना कि कोई भी दिया हुआ चीज बेस है कि एसिड है। अच्छा, अब हमको जो इंडिकेटर है कहाँ कहाँ मिलता है, एक नेचर में और एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर, दीज इंडिकेटर्स आर फाउंड इन नेचर इन द प्लांट। ये इंडिकेटर कहाँ मिलता है, नेचर में मिलता है। नेचर में कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है। नेचुरल इंडिकेटर हमको कहाँ मिलता है, प्लांट में मिलता है। एग्जाम्पल लिटमस पेपर, ठीक है, फिर टर्मरिक, ये सब एग्जाम्पल हैं। फिर है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, द इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर या तो लैब में बनेगा या तो इंडस्ट्री में बनेगा, एग्जाम्पल फिनोलथैलिन या फिर मिथाइल ऑरेंज। ओके, तभी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल बताया ना अनियन वाला। अब देखते हैं कलर इंडिकेटर का एग्जाम्पल। कलर इंडिकेटर में देखते हैं किसका किसका, लिटमस पेपर का, टर्मरिक का, फिनोलथैलिन सोल्यूशन का, मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन का। ओल्फैक्टरी का देख लिए ना, अब कलर इंडिकेटर का देखते हैं। तो देखो सब लोग, बच्चा लोग फोकस करो। जैसे कि अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में डिप करेंगे, रेड लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर इतना बड़ा सा आपको मिल जाएगा, उसको अगर आप एसिड में डुबाइएगा तो कलर चेंज नहीं होगा, रेड का रेड रह जाएगा। और रेड लिटमस पेपर को बेस में डुबाइएगा तो कलर ब्लू हो जाएगा। आ रहा है समझ में, रेड लिटमस पेपर को एसिड में डुबाइएगा कोई चेंज नहीं, रेड का रेड, और बेस में डुबाइएगा तो ब्लू। ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डुबाइएगा तो रेड कलर, और यही ब्लू लिटमस पेपर को आप बेस में डुबाइएगा तो नो चेंज इन कलर, ब्लू का ब्लू रह जाएगा। ओके, टर्मरिक हल्दी, हल्दी एसिड के प्रेजेंस में आएगा तो नो चेंज। ओके सर, येल्लो हो गया ना सर, भाई हल्दी पहले से येल्लो होता है, ठीक है, तो नो चेंज, नो चेंज इन कलर। अच्छा, हल्दी जब वो बेस के प्रेजेंस में आएगा तो कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। फिनोलथैलिन सॉल्यूशन एसिड के प्रेजेंस में कलरलेस, और फिनोलथैलिन सॉल्यूशन बेस के प्रेजेंस में पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन एसिड के प्रेजेंस में रेड कलर का, और बेस के प्रेजेंस में येल्लो कलर का। तो ये कुछ बात है मतलब इंडिकेटर के बारे में जो हम लोग अभी देखें। तो अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे एसिड के बारे में, फिर उसके अगले पार्ट में बेस के बारे में, ऐसे ऐसे हम लोग देखते रहेंगे। बाकी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो फुल चैप्टर, उसका वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट बन चुका है, तो आप लोग जाइए चैनल पे, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए और केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को पूरा कंप्लीट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।